सबसे पहले हमने फिग्मा ओपन करा, एफ दबाया और यहाँ पे हमने क्या करा, डेस्कटॉप ये ले लिया। सेटिंग कर लेते हैं लेआउट ग्रिड और कॉलम और हाँ 100 पिक्सल। हाँ बताता हूँ, चलो ये आ गया हमारे पास, ये सेक्शन सेट हो गया। ठीक है, मुझे इलस्ट्रेशंस चाहिए वेबसाइट में, यहाँ मेरा हेडर लग जाएगा। यह हमने हेडर सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ना इलस्ट्रेशन चाहिए, तो इलस्ट्रेशन के लिए आपको राइट क्लिक करना है, प्लगइन में जाना है यहाँ से और सर्च करना है यहाँ पे इलस्ट्रेशन। कहाँ से आ रही है देखो, ये मैं खुद ही सोच रहा था बस कहाँ से आ रही है। ये देखो ये आ गया, ये वाला प्लगइन आपको लेना है, ह्यूमन इलस्ट्रेशन, ये वाला, इसे रन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो काफी सारी इलस्ट्रेशन मिल जाएगी, ऐसी काफी सारी इलस्ट्रेशन यूज होती है ना, तो हम एक काम करते हैं आजकल ना यही वाली, ये इलस्ट्रेशन ज्यादा चल रही है आजकल ना, इस तरीके की साइट काफी ज्यादा चल रही है, तो आपको काफी सारी इलस्ट्रेशन मिल जाएगी इसके अंदर। ये देखो ये रही, तो मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे ना ये वाली इलस्ट्रेशन चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ना एक ये जो एक इलस्ट्रेशन है जिसने क्या कर रखा है, एक मेरे फॉर्म को ना पकड़ रखा है। ठीक है, तो देखो मैंने इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इलस्ट्रेशन आ जाएगी, ये रही, ये आ गई इलस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका फायदा पता क्या है, आप अपने हिसाब से ना थीम को चेंज भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से देखो डबल क्लिक करोगे, यहाँ इसके कलर आ जाएगा, ये रहे। तो लाइक मुझे इसको ब्लैक कलर दिखाना है, इसको मुझे, हाँ राइट, तो जो भी आपकी इमेजेस है तो ये यूज करने का ये फायदा है कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पूरा चेंज कर सकते हो इसको। मुझे लग रहा है यहाँ से आ रही है आवाज, ठीक है ये आ गया, नहीं मुझे लगा यहाँ से लैपटॉप में से आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से क्या कर सकता हूँ इलस्ट्रेशन, मैं गोरा कर दिया इसको, कलर दे देते हैं। किसकी? हाँ हाँ मिल जाएगी इसकी भी। ठीक है, पता है जो ग्राफिक नहीं कर पाएगा ना वो ये भी नहीं कर पाएगा, ऐसा ही है क्या? फिनिशिंग इसी से ही आएगी, जो फिनिशिंग आती है ना वो इसी से ही आएगी। शुरू में एंट्री इसी में मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे 6 महीने का उसमें एक्सपीरियंस हुआ फिर उसके बाद, क्यों नहीं चलेगा, दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। चलो इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, तो ये क्या हो गई, इलस्ट्रेशन आ गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ना देखो वेबसाइट ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है प्रोडक्ट बेस और एक होती है सर्विस बेस। सर्विस बेस में ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर्म, आपकी फॉर्म की प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, क्योंकि फॉर्म से क्या होता है मेन क्वेरी जनरेट होनी होती है, तो मेन टारगेट जो होता है हमारा वो फॉर्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि फॉर्म में हमें मेन क्वेरी हमें जो जनरेट होगी वो फॉर्म से ही होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म वाला पार्ट कभी मिस नहीं करना आपको, कोशिश करना है कि जो फॉर्म वाला सेक्शन हो सबसे ऊपर ही आ जाए, मतलब इतने एरिया में आपने क्या करा फॉर्म का सेक्शन यहीं पे रख लिया आपने स्टार्टिंग में। ठीक है, ताकि जैसे ही वेबसाइट खुले तो यूजर को सामने फॉर्म दिख जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे मैं फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ, मैं एक कुछ इस तरीके दिखाना चाहता हूँ कि इन्हें इसने फॉर्म को पिक कर रखा है, पकड़ा रखा है, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इतने एरिया में हमने क्या करा, ऐसे फॉर्म रख लिया, ये रहा। इसे फॉर्म के कॉर्नर को मैं थोड़े से राउंड कर लेता हूँ ऐसे, और कलर दे देता हूँ मैं इसका प्योर वाइट ऐसे, और इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ और इसको पीछे भेज देता हूँ, कंट्रोल लेफ्ट कर ली ब्रैकेट से। इसको मैंने कट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है। अच्छा, तो ये आ गया, इसने ऐसे पिक कर रखा है फॉर्म को। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बस ठीक है। और इसको मैं उठा के ऐसे यहाँ रख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। तो देखो इलस्ट्रेशन काफ़ी सही मिल गई ना मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म दिखा लेता हूँ अपना। अच्छा, फॉर्म कैसा होना चाहिए इसकी, ऐसी पूरी गाइडलाइंस आपको मिलेगी यहाँ पे। सर्च करना गूगल मटेरियल डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको बने बनाए ना, बने बनाए एसेट्स भी मिल जाते हैं। जैसे बटन चाहिए आपको, ये बटन चाहिए आपको, ये सब आइकन के साइज क्या होने चाहिए, वो सब आपको बने बनाए मिल जाते हैं। ये बटन के साइज चाहिए, तो ये सब चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है इसके अंदर, इस वेबसाइट पे। हाँ, आपको किट को कॉपी करना है। किट कैसे कॉपी होगी, आप यहाँ पे जाना और सर्च करना यूआई किट फिग्मा, गूगल मटेरियल डिजाइन यूआई किट फिग्मा। आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको ये पूरी किट मिल जाएगी इसकी। तो देखो ये किट पूरी आ रही है हमारे पास यहाँ पे, कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, साइज वाइज क्या रखने चाहिए, मेन्यू बार का साइज क्या होना चाहिए, ये सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। चलो मैं इसे गेट यहाँ पे क्लिक करूंगा, गेट अ कॉपी के ऊपर। तो जैसे मुझे फॉर्म बनाना है ना, तो फॉर्म की कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है, तो उन्हीं को यूज करना है आपने। मतलब ऐसा नहीं अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लगा दी, क्योंकि कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है तो वो स्टैंडर्ड ही रहेगी। तो देखो मैंने क्या करा, गेट अ कॉपी पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कई सारे कंपोनेंट आ गए हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मुझे ना मेन्यू बार चाहिए, कहाँ पे हमारे पास, ये रहा ये रहा, ठीक है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। अब इसे सिलेक्ट किया आपने, कॉपी किया, हाँ कॉपी किया कंट्रोल सी से, और कहाँ पे पेस्ट करते हैं अपने, इस वाले सेक्शन में पेस्ट कर लेते हैं जो हम बना रहे थे, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। ये डिजाइन हमारा ऐसे आ गया। कलर चेंज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो देखो साइज बिल्कुल परफेक्ट मिल गया आपको, ठीक है, साइज जो है वो परफेक्ट मिल गया हमें। तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप सर्च करना, क्या सर्च करोगे, गूगल मटेरियल डिजाइन, ठीक है। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। कलर देखो ये रहा, लाइक कौन सा कलर चाहिए आपको। अगर देखो ये कलर ना इसने ना बना रखे है, और बना के यानी इन कलर को हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा करना, ये ब्रेक लिंक का ऑप्शन, हाँ, नहीं, वो आइकन आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे चेंज होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक किया, आपने यहाँ से कलर कौन सा लेना है, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। पहले डिटैच कर देना, डिटैच करने के बाद यहाँ पे ये कलर आ रहा, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए, तो आपने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया इस तरीके से। तो या फोन मैं थोड़ा लाइट कलर कर लेता हूँ, ब्लैक की ऑपेसिटी कम कर लेते हैं, वैसे वाइट हाफ वाइट कलर होता है ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये वाला कलर यूज कर लिया। साइज देखो मुझे बिल्कुल परफेक्ट साइज मिल गया, जो ग्लोबली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम, और इसकी जो फॉन्ट, इसकी वो है यानी लाइक कितनी विजिबिलिटी है, कम कर लेते हैं। तो चलो हमारा ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक बार चेक करते हैं कैसा प्रिंट में आ रहा है, देखते हैं आ भी रहा है नहीं आ रहा, प्ले करके देखते हैं यहाँ से।
कंपोनेंट्स कहाँ से पिक करोगे? कंपोनेंट के लिए ये आप सर्च करोगे गूगल पे, गूगल मटेरियल डिजाइन यूआई किट, या ये वाली ले लेना, मटेरियल 3, मटेरियल 2, अलग अलग किट मिल जाएगी। इसमें आपको क्या पिक करना है, इसमें आपको बटन, मतलब आप जो बटन बनाते हो ना नकली से लगते हैं, क्योंकि इनके ना कंपोनेंट के साइज होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन बनी होती है सबके साइज ना एक देखोगे आप बटन एक जैसे ही होता है ऑलमोस्ट, तो आपको उनको भी फॉलो करना है। तो ये चीजें जब आपके पास बनी बनाई मिल रही है तो आप वहीं से यूज करो इनको, ठीक है? ये देखो ये रहे आप मेटी, इसमें सारे आइकन है, ये देखो सारे कैलेंडर वैलेंडर जो भी है वो यहाँ मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे आप इस ये यहाँ पे आपको पूरे कंपोनेंट मिल जाएंगे, 3, 2, 1 ऐसे अलग अलग कंपोनेंट की वो दे रखी है लाइब्रेरी। ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए दे रखे है, क्लिक करोगे इसके ऊपर ये भी फाइल खुल जाएगी, ठीक है? आपको बस क्या करना है, इनके कंपोनेंट, कंपोनेंट ऐसे नहीं आपने डिजाइन पूरा उठाना है, आपने सिर्फ जैसे बटन होते हैं या फिर टॉप बार जो होता है जैसे जिसमें वाईफाई और ये सब लगा होता है, वो सब चीजें आपको इनबिल्ट मिल जाएगी, वो आप इनका यूज कर सकते हो। देखो अब इसमें वो कौन कौन सी चीज काम की है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैं देखूँ, ये देखो ये बटन से है कुछ बने हुए, ये कार्ड बने हुए हैं, ये सबके एक जैसे डिजाइन होते हैं। और क्या है इसके अंदर काम का, ये देखो ये वाला सेक्शन ये हमने बनाया था ना, ये सेक्शन आपको लगाना है तो आपको ये इनबिल्ट मिल जाएगा, बना बनाया आपको आइकन वाइकन सब लगे हुए लगाए मिल जाएंगे, ठीक है? ये सारे आपको यहाँ पे देखो ये डिजाइन है जो मैंने बनाया था, ठीक है? ये एप्लीकेशन के लिए दे रखा है। बटन के साइज देखो ये रहे अलग अलग तरीके के बटन, ये रहे आप चाहो तो ना यहाँ एसेट्स में चले जाना, एसेट्स में देखो हेल्पर और मटेरियल 2 UI किट मिल जाएगी, एप बार ये सारे आपको अलग अलग मिल जाएंगे, कार्ड, कार्ड क्या है देखो कार्ड इस तरीके के कार्ड है ये रहे, ठीक है? और क्या करते हैं इसमें, डिवाइडर, मेन्यू, मेन्यू उठा लेते हैं, सर्च बार ये रहा। चलो ये देखो अब आपको ये डिज़ाइन करना है, जब ये पहले से इनबिल्ट है तो क्या क्या फ़ायदा बनाने का, तो आप अपनी जहाँ पे भी आपको ये लगाना है कॉपी किया आपने, ये वैसे इसके लिए सिस्टम के उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, मैं अभी फ़िलहाल अपने इसमें लगाता हूँ डिज़ाइन में, यहाँ मुझे लगाना है तो मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये सर्च बार हमारा ऐसे लग गया यहाँ पे, ठीक है? आ गया समझ में? क्योंकि कुछ चीजें ना कॉमन होती है वो कॉमन ही रहने देनी है, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है आपने। हाँ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी है, आपको स्ट्रोक अच्छी नहीं लग रही इसकी तो आप बस ऐसे पिक करोगे, यहाँ पे पूरी स्टाइलिंग आ जाएगी यार ही, नीचे जैसे ब्लैक ये दे रखा है, ड्रॉप शेडो दे रखी है, मुझे ड्रॉप शेडो नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया से, ठीक है? अभी चेक करते कैसा दिख रहा है यूजर इंटरफेस, तो देखो ये यूजर इंटरफेस कुछ अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। क्या क्या लड़की लड़की है एफिग्मा एक जी सीखना है, किसने? हाँ, मतलब अच्छा 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 हाँ तो ठीक है बोल दे, ठीक आ जानी है, कल आनी है, आज ही आना है, ठीक है? अभी के लिए 4, कल के लिए नहीं बोल सकता? अच्छा ठीक है चल बोल। तो ये आ गया हमारे पास, देखो सेट हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट डालना है वो अपने हिसाब से कंटेंट डाल देंगे, कंट्रोल डी, यहाँ मैंने अलग अलग कंटेंट रख लेंगे, यहाँ बटन ले लेते हैं, बटन चाहिए मेरे को, बटन कौन सा ले लेते हैं, बटन देखो बटन भी आपको इनबिल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, बटन इस वाली में नहीं है दूसरी वाली में हो गए, तो मटेरियल फिग्मा का मटेरियल डिजाइन है ये, फिग्मा का भी मिल जाएगा, एक्सजी का करते हो तो एक्सजी का भी मिल जाएगा। तो जैसे मुझे ये बटन चाहिए, बस आपने यहाँ से कॉपी किया बटन को और ये भी है वैसे अलग अलग है, आप निकाल सकते हो, 3-4 किट बनी हुई है इसकी, ये यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, आ गया बटन हमारा, इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। देखो बटन का साइज जो होना चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, कितने कॉर्नर राउंड होने चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको कलर चाहिए क्या चाहिए?
हाँ तो आप ना कैसे, जैसे टेस्ट चेंज करना तो आप डबल क्लिक करना, ऐसे डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो इंक्वायरी अस। ठीक है, साइज भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है क्योंकि हाइट तो फिक्स होती है। जैसे हाँ जो मान लो जो फ्रंट वाला पॉकेट होगा चौड़ा होगा वही सेम रहेगा। वही सेम, नहीं, अपने हिसाब से कोई सा फोन ले सकते हो। ठीक है, हाइट तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो ऐसे, देखो। और देखो कंटेंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये देखो कंटेंट देखो अपने आप क्या हुआ, एडजस्ट हो गया ये रहा। ठीक है, हाँ देखो कंटेंट क्या हो गया, अपने आप हिसाब से एडजस्ट हो गया यहाँ पे, हो गया इस तरीके से, लाइक आप यूज कर सकते हो। तो आपको बटन ये यूज करते हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग के कंपोनेंट्स आपको जो होते हैं वही कम, इसमें व्हाइट वर्ड्स आ गया, इसमें कहाँ पे आया व्हाइट व्हाइट, ठीक है। अब क्या करते हैं, हाँ ये देखो आ गया। तो ये हमारे पास देखो ये इस तरीके से आ गई, ये चीज ऊपर आनी चाहिए, इसे मैं ऊपर रख लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो डिजाइन हमारा ऐसा सेट हो रहा है, ये क्लियर है। कलर थोड़ा सा डार्क दे देते हैं इसका, ऊपर हेड अलग दिखेगा फिर से। हाँ तो अब जो साइड बनाओगे वो कंपोनेंट यूज करके बनाओगे, ये आ गया हमारा हेडर, कौन सा कलर का चाहिए वो अपने हिसाब से सेट कर लो। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना है, तो हमारा कंटेंट हमारा यहाँ डल जाएगा। तो देखो इलस्ट्रेशन बेस पूरी वेबसाइट बनेगी हमारी इसके बेस पे। तो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन यूज करना है, तो इसके लिए आपको ना रेफरेंस के लिए थीम फॉरेस्ट पे जाना है। इन पर तो लगा मतलब कॉपी थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं, इलस्ट्रेटेड ठीक है, इन HTML ये सर्च कर लेना, इलस्ट्रेटेड डाल देना, तो आपको जितनी भी थीम दिखेगी ना ऐसी इलस्ट्रेशन वाली दिखेगी ये रही। तो आपको यहाँ से रेफरेंस लेना है, ऐसी वाली थीम यूज करनी है। ये देखो ये रही, ठीक है। जरूरी नहीं आपको सारे ये आइकन मिल जाएंगे उसी प्लगइन के अंदर, आप चाहो तो यहीं से भी सेव कर सकते हो, इमेज को यही सेव कर लेना। जैसे ये आ गया, दूसरा सेक्शन ये आ रहा है, ठीक है, तीसरा सेक्शन, इसकी एनिमेशन होती है वैसा कि हाँ ये हो जाती है, हाँ हो इसके जाएगी। हम हाँ 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 वो ले सकते हो, वही करते हैं हम लोग भी, वही करते हैं थोड़ा। हाँ हाँ क्या, ये वेबसाइट खोल ली मैंने, हाँ यही वाली खुली हुई है, चलो ये रही। हाँ तुम चाहते हो कि ना अपना कंटेंट यहाँ प्लेस करना है, थोड़ा बहुत डिजाइन में मॉडिफिकेशन करनी है, हाँ ऐसे ही रखना है, हाँ कर सकते हो। हाँ हाँ दूसरी ले ली, हाँ ये कर सकते हो। हाँ आप तो रेफरेंस लेके आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बस थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ चेंज किया है आपने, डिजाइन को चेंज किया हुआ है। ऐसा नहीं है आपने क्या करा कि बिल्कुल सेम ही उठा दिया, वो नहीं करना, थोड़ा बहुत कलर नहीं तो उसमें कॉम्बिनेशन। तो अपना कलर अपना फॉन्ट तो तुमको वही बोल रहा हूँ ना, तो ऐसे तरह से कैसे बोल एटैक्सी बोले बना कुछ तो इसमें सही ना आगे बोलता थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हो, पर ये मत बोलो क्लाइंट को कि मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। मैं क्यों बोलूँ हाँ उसको, बाहर में बोलूँगा। तो थोड़ा बहुत रेफरेंस ले लिया आपने यहाँ से थीम फॉरेस्ट में। पता क्या करता हूँ मैं भी, कभी काम करता हूँ तो मैं भी डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं भी क्या करता हूँ, क्लाइंट को देखना है कि तू कहाँ पे काम कर रहा है, इसका ये नहीं कैसे हाँ चला ऐसा लगा। हाँ तो वो तो चाहिए होती है हमें, आइडिया कहाँ से आएगा, रेफरेंस हमें चाहिए ही होता है थोड़ा बहुत। तो अब जैसे मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे मुझे ना क्लाइंट ने बोला कोई गेम की वेबसाइट बनानी है, तो मैंने क्या करा यही वाली वेबसाइट खोल ली। ठीक मैं है, सिंगल सिंपल पर ये कर लूँ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर हाँ तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ क्लाइंट ये भी कह रहे थे मुझे ना उसकी मूवी चाहिए, क्या, जिससे प्रोटोटाइप चाहिए मुझे, हाँ ऐसा होता है कि मुझे चाहिए मतलब हाँ कभी कभी केस में कहता है क्लाइंट, तो बहुत रेयर केस में, जैसे मैं पिछले हाँ हफ्ते सीख रही थी मैं वो तब भी हाँ कभी कभी केस में कहता है, जैसे उस दिन परसों कहती वो हूँ। तुम्हारा 500 जो
तो कभी कभी होता है वो केस में, नहीं तो वैसे प्रोटोटाइपिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ये डिजाइन है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक कर दूंगा, ठीक है, मैं इसके ये कलर ना यूज करके ब्लैक, कैसे, हाँ मैं ब्लैक कलर कर दूंगा इसका, ठीक है, जैसे ये कलर है ना, इसको ना यूज करके मैं इसको अगर ब्लैक कलर कर दूंगा तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन में पूरी अपने हिसाब से चेंज मार डालूंगा इसकी। नहीं ये देखो मैंने क्या करा, ये वाला सेक्शन हटा दिया इसमें से, इतना हेडर्स का ले लिया, नीचे डिजाइन ये यहाँ पे मैंने कोई इलस्ट्रेशन वाला दे दिया, यहाँ मैंने बाकी सेम इसका कुछ कर दिया। हाँ हाँ इसको मैंने सर्कल में दिखा दिए। हाँ 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 लोगो यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा आइकन, यहाँ से ले सकते हो आप, इमेजेस भी ये यूज कर सकते हो, फ्री इमेजेस होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इमेजेस ये यूज कर सकते हो। हाँ ये रहा, हाँ ये हाँ सर, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इनर शेडो है। हाँ इनर शेडो, अच्छा देखा तो ये देखो, जैसे मुझे क्या करना है, ये कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर, ये वाला कलर देते हैं, इसमें मुझे शेडो चाहिए, तो यहाँ पे ना इफेक्ट में जाओगे ना, ये रहा, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ये शेडो तो बाहर की तरफ आ जाएगी, ड्रॉप शेडो, लेयर ब्लर और इनर शेडो का ऑप्शन आता है, तो इनर शेडो आपको कितनी चाहिए वो यहाँ से सेट कर लेना, लाइक कितनी परसेंटेज वो चाहिए, ठीक है, और ब्लर कितना चाहिए, ऐसा कितना ब्लर चाहिए, यहाँ से एक्सिस और वाई एक्सिस कैसा चाहिए, एक्सेसिस एक्सिस मतलब वो क्या, हॉरिजेंटल, और वाई हो गया वर्टिकल, तो देखो क्या हो गई, यहाँ पे अंदर की तरफ शेडो आ रही है येरी। हाँ हाँ वैसे भी दे सकते हो, कलर दे दो इसके अंदर वाइट, इसका शेडो का कलर चेंज। हाँ ये देखो ये रहा, आ गया ना वाइट, ठीक है, और इसकी ऑपेसिटी कितनी चाहिए वो ऑपेसिटी सेट कर दी। चलो मैं तुम्हें टास्क दे देता हूँ, एक तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना एक ना गेम के लिए वेबसाइट बनानी है, ठीक है, रेफरेंस कोई भी उठा लो, ठीक है, कंटेंट तुम्हें अपने हिसाब से ना किसी वेबसाइट का निकालना है, ओरिजिनल वेबसाइट का। क्या हुआ, देखो जैसे तुमने क्या करना है, कंटेंट तो इसका उठा लिया पबजी का, ठीक है, और रेफरेंस आपने इसका ले लिया, अब तुम्हें ये देखना है तुम कैसे मर्ज कर सकते हो, रेफरेंस तुमने दूसरी वेबसाइट का उठाया, ठीक है, कंटेंट इसका उठाया, अच्छा कंपोनेंट के साथ मत जाना, कंपोनेंट वही उठाने जो मैंने आज तुम्हें बताया, कंपोनेंट जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये बटन बटन जो उठाओगे वो यहीं से उठाने, ठीक है, बटन मत क्रिएट करना खुद के, या क्रिएट करोगे तो पूरी प्रॉपर्टी देख लेना इनकी, प्रॉपर्टी देख के फिर करना, ठीक है, लाइक आपने क्या करना, बटन के साइज देख लेना, कौन से साइज रखने हैं हमें, कितना राउंड बता दो। रखना है, क्योंकि ये चीजें कॉमन होती है, ठीक है, अब इसमें कुछ भी उठा सकते हो, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि आपको अगर एप्लीकेशन बना रहे हो आपको, हाँ हाय हाँ ये भी कर सकते हैं हम, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना ये सारी चीजें, तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। हाँ हाँ ये लिया हुआ होगा, कंटेंट क्लाइंट के पास होगा, ये कहीं से लिया होगा, कहीं से लिया होगा, तो आपने एक गेम का यूआई बनाना आज, ठीक है, गेम का यूआई मतलब गेम की वेबसाइट होगी, उसका यूआई क्या हाँ हाँ इसे बोलते हैं टोन पेपर, ये ना इलस्ट्रे उसमें है फोटोशॉप में, आप फोटोशॉप में जाना, फोटोशॉप तो आता है ना सबको, यहाँ सर्च करना टोन पेपर ब्रश,
ये ठीक है, ये ब्रश ना डाउनलोड कर लेना, ये वाला ये ब्रश डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। वहां से पीएनजी बना के ले आना, ठीक है? वहां पे पीएनजी बना के इसमें ले आना, फिग्मा में। आपने फोटोशॉप में डिजाइन कर लिया ये फोटोशॉप? देख मैं करके दिखाता हूँ। फोटोशॉप ये रहा मेरा, टोन पेपर TORN। हाँ स्टेज फुल आ रहा है यार। स्पेस खत्म हो गया मेरी, इसके फोटोशॉप चल नहीं रहा। टोन पेपर सर्च करना, जैसे मैं बताया ना आपको, ऑनलाइन चल रहा है ना अभी। क्या रुक जा, मैं ना ये डिलीट मार देता हूँ, फिर हो जाएगा। ये सब डिलीट मार देना। चलो अब चल जाएगा। जो लड़के हैं इसने वहां पे इसने भी छोड़ दिया। तीनों को सेम पे कर रहे हो क्या? कितना बोल रहे थे पैसे, कितने बोल रहे थे? एक महीने कर लेते। देखो टोन पेपर आपने करना है, देन बी दबाना, ब्रश आ जाए ना, आ जाएगा ब्रश के ऊपर। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, स्लो हो गया सिस्टम मेरा। क्या रीसेट मार दो? उस हिसाब से हो रहा है मेरा सिस्टम इतना। पहले तो बहुत सारी खुली जाती है मेरा, एक्सपोर्टिंग करा रहा था, ये गया, फिर फोटोशॉप दिक्कत दे करता है, बाकी सब चल जाते हैं। हाँ यहाँ से गए, यहाँ पे एक देखो ऑप्शन है इम्पोर्ट ब्रश, इसमें डाउनलोड जो किया था हमने ब्रश वो ले लेंगे, कौन सा था टोन पेपर, क्लिक किया और लोड कर देना ऐसे। अब जो आपने ब्रश इंस्टॉल किया है ना वो नीचे आ गया होगा, ये आ रहा सबसे आखिरी में, ये रहा, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आपको पेपर का इफेक्ट मिल जाएगा, ये आ गया, ठीक है? कौन सा कलर चाहिए आपको चूज कर लेना और ऐसे क्लिक कर देना। देखो ये पेपर का इफेक्ट आ गया, ठीक है? आपको क्या साइज चाहिए तो इस तरीके से सेट कर लेना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्या हाँ हाँ
है मेरे ग्रुप में। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं कर रखा। ऐसा कुछ नहीं कर रखा, कलर ले रखे, कलर्स ले रखे। ये देख, ये गुलाल ले रखे हैं। गुलाल मुझे बस ऐसा चाहिए था इसके लिए कि ना मतलब पूरी स्क्रीन पे ये। हाँ वही तो चीज, इसे मैं यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं बस। ठीक है, कॉपी किया, यही मैं इमेज उठा रहा हूँ, इमेज खराब हो रखी है। कॉपी किया, कॉपी इमेज, ये चलो ये आ गई। बस तुझे क्या करना था, वो साइड फेस वुमेन पीएनजी, और कौन सी इमेज ले लेते, टूल में जाके कलर में जाके ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और आज अपने गेम का यूआई बनाना है सबने, इसको इसको उठाया, इसको उठा के इसमें ले गए यहाँ पे, ये रहा। और बस कुछ नहीं करना तुम्हें, इसका सिलेक्शन करना है कंट्रोल दबा के, और इस नीचे लेयर पे जाके मास्क के बटन पे क्लिक कर देना है। दो अरे यार, इसका सिलेक्शन करना है कंट्रोल दबा के, इस लेयर का कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया, इस लेयर पे जाके मास्क के बटन पे क्लिक कर दिया, आ गया। ऐसे ही था ना, एक और था वो यहाँ पे था दूसरा। हाँ ऑपिसिटी का काम किया हुआ है, ऑपिसिटी इसके बाद भी काम कर लो थोड़ा, और सही हो जाएगा ये जैसे यहाँ पे। तो ये देखो, इसको मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ही मास्क कर दिया, और हल्का सा मैंने ब्रश लेके और यहाँ पे हल्का सा ब्रश ऐसे चला दिया फेस के ऊपर, ओपेसिटी कम करके बस ऐसे आ जाएगा ना। क्या क्या, हाँ दो फेस रख लेगा ना, एक और रख दे किसके बराबर में, हाँ थोड़ा सा खिसका के बस। हाँ ये बेटर है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, आज एक गेम का वेबसाइट, गेम की वेबसाइट लेनी है, पबजी वाला ले लेना या कोई और गेम ले लेना, मारियो की जगह। क्या वैलोरेंट टेकन 3, गेम की नॉलेज नहीं है। ये देखो ये या तो ये ले लो, उसे पता होगा, तो उसे बताओ कौन सा गेम चल रहा है इस टाइम, कौन सा गेम चल रहा है। ठीक है, कोई सा भी गेम ले लेना, गेम का ना आपने क्या करना है, यूआई डिजाइन करना है। ठीक है, और कंपोनेंट सारे उससे उठाने हैं, गूगल मटेरियल से, गूगल मटेरियल से कंपोनेंट उठाने हैं। देखो उसके लिए सर्च क्या करोगे गूगल पे, ये डाल देना वेबसाइट। ठीक है, गूगल मटेरियल कंपोनेंट, ठीक है ये डाल देना। तो यहाँ पे आपको सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, फिग्मा डाल दोगे तो फिग्मा के मिल जाएंगे, तो अब यहाँ फिग्मा के मिल जाएगी, ये रे, तो ये पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको। आपको ये बस गेट कॉपी पे क्लिक कर देना, एक फाइल खुल जाएगी, वहां से पिक करके ले आना। ठीक है, इनके साथ काम करना आज।
ओके सर। क्या स्ट्रेच नहीं हो रहा? नहीं हो जा रहा है जैसे वो स्पिन कर रहा है। वो देखो वो पता क्यों होता है, यहाँ पे आते हैं, ये रहा, कोई आइकन ले लेते। चलो राइट क्लिक किया, प्लगइन में गए और कौन सा प्लगइन ले लूँ, फॉन्ट ऑसम, ये प्लगइन ले लेते हैं, ये आ रहा। ठीक है, ये क्या हो रहा होगा, जब मैं स्क्रीन को बढ़ा रहा हूँ ना तो स्केच स्ट्रेच हो रहा होगा यहाँ से। ये देखो ये हो रहा है ना, ये इमेज भी हो रही है। देखो वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप कोई ऐसे आइकन या इमेज लेते हो ना तो वो ना स्केल स्केल लिखा होता है यहाँ पे, उस पर क्लिक करना, इसमें लेफ्ट और टॉप करना है। अब नहीं होगा, देखो ऊपर में लेफ्ट नीचे बटन होता है। हाँ अब देखो, अब करो, ये देखो नहीं हुआ ना, इसे हाँ ये हो रहा है ना, तो इसको भी करना पड़ेगा, लेफ्ट और टॉप, मतलब जिस जो जो इमेजेस और जो जो आइकन ऐसे लोगे ना उनको करना पड़ेगा। अब करोगे? नहीं होगा, नहीं हुआ ना। क्या सर्च? नहीं वो नहीं होगा, वो हमने अलग से लिया हुआ ना वहां से। हाँ लेफ्ट और टॉप कर देना तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है तो आगे ना, हाँ ग्रेडियंट देखो, यहाँ पे ग्रेडियंट देने के लिए आपको यहाँ कलर की जगह ना यहाँ पे लीनियर यूज करना पड़ेगा। ये रहा, कौन सा कलर चाहिए वो कलर डाल देना यहाँ पे। हाँ डबल क्लिक करो कलर आ जाएगा। हाँ ट्रैक कैसे करना है? दिखा मुझे अपने सिस्टम पे। ठीक है इतना करना है तुम्हें, एक यूआई बनाना है इसके लिए, वेबसाइट उसके लिए, गेम के लिए, गेम की साइट बना दी है। हाय राम, एक मैंने भी बनाया था एक क्लाइंट के लिए डिजाइन गेम के लिए, दिखाऊं? बहुत सिंपल सा बनाया था, पास नहीं हुआ था पर। नाम क्या था उसका? अतुल।